हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। कल हम लोग नंदवंश तक का इतिहास पढ़े थे, आज हम आपको बताने जा रहा हूं मौर्यों का इतिहास। मौर्य वंश, मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड था वह 321 से 184 बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व तक था। इसको इतिहासकारों ने अन्य नाम भी दिया है। अन्य नाम इसके क्या क्या हैं? अन्य नाम इसके हैं, इसको जो है प्रथम साम्राज्य, प्रथम साम्राज्य काल कहा गया। दूसरा द्वितीय नगरी करण का काल कहा गया, इसको द्वितीय नगरीकरण का काल कहा गया। तीसरा इसको जो है NBPW का काल कहा गया, ये एक प्रकार की संस्कृति है, इसका काल कहा गया, परंपरा है, पात्र परंपरा। ऐतिहासिक काल इसको कहा गया, ऐतिहासिक काल भी इसका नाम है। और इसको जो है केंद्रीयकरण का काल भी कहा जाता है, केंद्रीयकरण का काल, ये इसके नाम हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण बालक था और साधारण बालक से वह किस तरह से राजा बना, इसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्रथम साम्राज्य का काल मौर्य वंश को कहा गया और द्वितीय नगरीकरण का काल कहा गया और NPW का काल इसको कहा गया, ऐतिहासिक काल कहा गया और केंद्रीयकरण का काल कहा गया। अब किसी भी वंश का इतिहास पढ़ने के पहले हमें जानते हैं कि इस वंश के इतिहास जानने के साधन क्या क्या है, स्रोत क्या क्या है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है साधन, क्योंकि इससे भी प्रश्न आते हैं। तो अब इसके साधन क्या क्या है, स्रोत क्या क्या है, तो मौर्यों का इतिहास जानने के स्रोत देखते हैं। तो मौर्यों का इतिहास जानने के स्रोत, तो इसके जो स्रोत हैं वह कौन कौन से हैं? तो मौर्यों का इतिहास जानने के तीन स्रोत हैं, मौर्यों का इतिहास जानने के तीन प्रमुख स्रोत हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोतों में साहित्यिक स्रोत कौन कौन से थे? पुनः साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया, धार्मिक साहित्य और धार्मिकतर साहित्य, धार्मिक साहित्य और धर्मतर साहित्य। विदेशी यात्रियों के विवरण को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो बांटते हैं इसको हम सिकंदर के समकालीन लेखक और फिर
उसके बाद के लेखक। अब सिकंदर के समकालीन लेखक, सिकंदर के साथ बहुत से लेखक आए थे और फिर उसके बाद कुछ लेखक आए, तो इसको हम इस तरह से पढ़ते। पुरातात्विक स्रोतों में हम अभिलेख भवन व लोक कला का अध्ययन करते हैं। अब आप समझिए कि इसके अतिरिक्त जो है, इसका जो पहला धार्मिक साहित्य है, कौन कौन से धार्मिक साहित्य मौर्यों के इतिहास पर प्रकाश डाल रहे हैं, तो साहित्यिक स्रोतों में वो हम विस्तार से देखते हैं। तो मौर्यों का इतिहास जानने के लिए हम जो साहित्यिक स्रोत को ध्यान में रखते हैं, तो साहित्यिक स्रोतों में मुख्य रूप से आप ये जान लीजिए, साहित्यिक स्रोतों में के जो है दो प्रकार है, धार्मिक और धर्मेतर। तो धार्मिक में हम रखते हैं किसको, धार्मिक में हम रखते हैं किनको रखते हैं, विष्णु पुराण, बौद्ध स्रोत और जैन स्रोत। कौन कौन, विष्णु पुराण। एक बार क्वेश्चन पूछा था मौर्यों के इतिहास पर सबसे अधिक प्रकाश डालने वाले पुराण का क्या नाम है, तो विष्णु पुराण है, और फिर इसके बाद क्या है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये हो गए। अब बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध साहित्य की बात करें तो जातक कथाएं दीर्घ निकाय राजस्व के सिद्धांत पर प्रकाश डालता। दीप वंश है, महावंश है, दिव्यावदान है, महाबोधि वंश है, बृहत कथा मंजरी है, अशोकावदान है, जैन साहित्य में भद्रबाहु का कल्पसूत्र है और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन है। धर्मेतर साहित्य में हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अब इसमें धर्मेतर साहित्य में हम धर्मेतर, धर्म से जो इतर हो, धर्मेतर का मतलब होता है धर्म से जो इतर हो, मतलब हटकर हो, जो धर्म की चर्चा न कर रहा हो, इसमें आपका है अर्थशास्त्र। इसका लेखक है कौटिल्य, फिर है मुद्रा राक्षस, इसका लेखक है विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था, ये विष्णुगुप्त द्वारा और विष्णुगुप्त को ही चाणक्य भी कहा जाता है, ऐसा माना गया इसकी कवि के प्रश्न पूछता प्रामाणिकता पर, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है प्रकाश कौन डालता है, राज तरंगिणी का लेखक कल्लड़ ये जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में विशेष रूप से प्रकाश डालता है और कश्मीर में ही चतुर्थ तृतीय बौद्ध मतलब उसकी चतुर्थ बौद्ध संगत का आयोजन हुआ था, तो इसका जो है विवरण, श्रीनगर की स्थापना भी सम्राट अशोक ने किया था, तो इससे भी ये प्रकाश पड़ता है राजतरंगिणी से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के रचनाकार का मूल नाम क्या चाणक्य था या नहीं था, चाणक्य ही अर्थशास्त्र का लेखक है या नहीं है, इस पर बहुत बड़ा मतभेद है आज तक, क्योंकि एक ही दरबार में रहने वाले लेखकों में चाणक्य और मेगस्थनीज दोनों एक ही राजा के दरबार में रहते हैं, किंतु दोनों के विवरण बहुत ही अलग हैं, दोनों के विवरण में इतनी असमानताएं हैं कि उसको आप कह ही नहीं सकते कि चंद्रगुप्त के दरबार में दोनों रहते थे।
अब हम बात करते हैं कि इसकी वंशावली को ध्यान देते हैं तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है, इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था वह इसकी स्थापना किया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया है मौर्य कुल के एक सामंत का पुत्र था और इसकी मां जो है इसको एक गौशाला में जन्म दिया था और चंद्र नामक बैल ने इसकी रक्षा की थी, इसलिए इसको चंद्रगुप्त नाम दिया गया है, ऐसा कुछ स्रोतों में मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मौर्य इसलिए पड़ा कि क्योंकि मौर्य कुल के रहने वाले थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहां पर मोर बहुतायत में पाए जाते थे, इसलिए इन्हें मौर्य कहा गया है, मोर नगर के रहने वाले थे इसलिए ऐसा नाम दिया गया है। कुछ लोग बताते हैं कि इसकी मां का नाम मुरा था, इसलिए जो है इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक जैसे इसका जन्म होता है, इसके बारे में कहानी है कि जब इसका जन्म होता है तो इसकी मां जो है इसको बचाने के लिए वहां से चली जाती है और अपने राज्य को छोड़ के जाती है, तो और वहां पर जो है इसका चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है गौशाला में और वहां पर ही इसको एक पहले शिकारी के हाथ बेच दिया जाता है 1000 काश्यपण में और फिर शिकारी से एक चरवाहा खरीद लेता है और चरवाहा जो है चंद्रगुप्त मौर्य से गाय चरवाता है। और कहा जाता है कि गाय चराते समय एक दिन राजकिलम नामक खेल खेलते समय चाणक्य वहां पर पहुंच जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य की कार्य कुशलता और नेतृत्व की क्षमता को देखते हुए इसे तक्षशिला ले जाता है और तक्षशिला का वो आचार्य था और इसे 1000 काश्यपण में खरीद कर तक्षशिला ले जाता है और तक्षशिला पर ही चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षा दीक्षा और प्रशिक्षण करता है और इसके बाद जो है नंदों का पतन करने के लिए वह जो है इसे मगध ले आता है और वहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे धीरे करके मौर्यों की शक्ति का पतन कर दिया। कहा जाता है कि मौर्यों की शक्ति को नंदों की शक्ति को पराजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किससे सहायता ली थी, पर्वतक नामक एक राजा था जो सहायता किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले नंदों को पराजित किया या यूनानियों को, ये जो है एक मतभेद का प्रश्न बना हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पराजित किया या यूनानियों को पराजित किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले राष्ट्रीय युद्ध घोषित किया और तमाम छोटे छोटे राजाओं को एकत्र किया और एकत्र करके इनको पराजित किया। जस्टिन प्लूटार्क जैसे लेखकों ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था और इसके बाद यह जो है बाद में नंदों को पराजित किया और इस तरह से विशाल साम्राज्य की नींव रखा। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही 305 बीसी में ईसापुरों में सिकंदर का राजदूत जिसका नाम सेल्यूकस था, क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर पूरा नाम था इसका सेल्यूकस निकेटर, वह क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य पर आक्रमण करता, मतलब भारत पर आक्रमण करता है। लेकिन पहले जैसी स्थिति अब भारत की नहीं थी क्योंकि पहले छोटे छोटे राज्यों में भारत विभक्त था, लेकिन अब जो है यह एक शक्तिशाली साम्राज्य मगध बन चुका था। और ऐसे में जब सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करता है तो उसे
पराजित होना पड़ता है, और जब यह पराजित होता है तो उनकी चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच में एक संधि होती है, सेलुकस निकेटर के बीच में एक संधि होती है, और संधि के तौर पर यह जो है उसे सिकंदर द्वारा विजित अन्य प्रदेशों काबुल, कंधार, जेडोसिया जैसे क्षेत्रों को दे देता है। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य उसे 500 हाथी देता है, भारतीय हाथी देता है, और सेलुकस निकेटर अपने पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करके भारत से चला जाता है। और पुनः हुआ अपने यहां से एक दार्शनिक जो इंडिका का लेखक है, इंडिका पुस्तक का लेखक है, जिसका नाम था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है, और यह जो है इंडिका नामक एक पुस्तक लिखा। और इसके पुस्तक और चाणक्य के अर्थशास्त्र दोनों में इतनी भिन्नताएं हैं कि जिसको आप एक ही राजा के दरबार के ग्रंथ या दरबारी कवि इनको नहीं कह सकते। यही कारण है इस चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या चाणक्य ही अर्थशास्त्र का लेखक है या नहीं है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास था। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन भर संघर्ष किया, और संघर्ष करते करते अंततः यह भद्रबाहु से दीक्षा लेकर, किससे, भद्रबाहु, भद्र बाहु से दीक्षा लेकर यह जो है कर्नाटक चला जाता है, कर्नाटक जाता है, और वहीं पर संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण का त्याग कर देता। यहां पे एक पहाड़ी आज भी चंद्रगिरी पहाड़ी के नाम से जानी जाती, वहां पर जैन धर्म की संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर देता है। कहा जाता है कि गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया, ये निर्माण कराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अशोक जो है इसको दृढ़ करता है, दृढ़ माने मजबूत होता है, दृढ़ करता है और नहर निकलवाता है। और फिर शक शासक रुद्र दामन ने, शक शासक रुद्र दामन ने, रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। क्या कराया था, जीर्णोद्धार कराया, जीर्णोद्धार कराया, और इस तरह से बिना बिगाड़ लिए कराया था। तो नासिक, इसके रुद्रदामन के नासिक प्रशस्ति में इसका वर्णन मिलता है कि सुदर्शन झील के निर्माण निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया, अशोक ने इसको दृढ़ करवाकर नहरें निकलवाया, रुद्रदामन ने जब यह टूट गई थी तो बिना बिगाड़ लिए इसका पुनः सुदृढ़ीकरण कराया। इसलिए तीन राजा इससे सुदर्शन झील के निर्माण कार्य से जुड़े हुए, दो वंश थे, दो वंश जुड़े हुए थे, एक मौर्य दूसरा शक, दो ये जुड़े हुए थे किससे, इससे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका पुत्र जो है, इसके पुत्र का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार, बिंदुसार राजा बना। अब बिंदुसार जब राजा बना तो कहा जाता है कि कोई भी युद्ध नहीं किया था। इसके समय में दो विद्रोह हुए थे, एक एक तक्षशिला में और दूसरा दक्षिण भारत में हुआ था, जिसको बाद में जो है अशोक और सुसीम द्वारा दबा दिया गया था, और इसलिए कोई भी युद्ध नहीं किया था। ठीक है, कोई भी युद्ध नहीं किया था। और
इसके कोई विशेष अभिलेख भी नहीं मिलते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के भी खैर अभिलेख नहीं मिले। अभिलेखों का वास्तविक सिलसिला भारत में, भारतीय इतिहास में अशोक से आता है। अशोक जो है आता है, अशोक के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके शिलालेख सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? अशोक के ही शिलालेख सबसे ज्यादा मिलते हैं। बिंदुसार के समय में डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस कौन था? सीरिया नरेश। डाइमेकस जो है सीरिया का राजदूत था। इसे स्ट्रेबो के अनुसार यह मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। कहा जाता है कि सीरिया नरेश का एक जो है डाइमेकस जो है मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। इसके बाद दूसरा इसके दरबार में आया जो मिस्र के राजा टालमी द्वितीय का राजदूत था, जिसका नाम था डायनोसियस। इसके बाद कौन आया? डायनोसियस आया। आइए जो है टालमी का था, टॉलमी द्वितीय जो मिस्र का राजा था, टॉलमी द्वितीय का था। ये सीरिया नरेश का राजदूत था, सीरिया नरेश का राजदूत था। और ये दोनों जो है चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य इतिहास के बारे में अच्छा विवरण प्रस्तुत करते हैं। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इनके विवरण से कई अच्छी जानकारी मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में कुछ जो है प्रश्न भी कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब डाइमेकस जो है प्लिनी के अनुसार वह टालमी द्वितीय का राजदूत था, प्लिनी बताता है टालमी द्वितीय का डायनोसियस जो है उसका राजदूत था। कहा जाता है कि थेनियस के अनुसार, एक थेनियस विद्वान है वो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को बिंदुसार से वहां का राजा जो है कहता है कि आप हमसे कुछ मांगिए, और उस मांगने के सिलसिले में यह तीन वस्तुएं मांगता है। क्या मांगता है? तीन वस्तुएं मांगता है। एक मांगता है मीठी मदिरा और सूखी अंजीर और एक दार्शनिक, जिसमें से वह प्रथम दो भेज देता है और दार्शनिक भेजने में असमर्थता व्यक्त करता है, क्योंकि यूनानी कानून में दार्शनिकों का विक्रय किया जाना वैध था। कहा जाता है कि तीन वस्तुएं जब मांगा था तो उसमें से क्या करता है? सूखा अंजीर भेज देता है और मीठी मदिरा भेज देता है, और लेकिन जो कहा जाता है कि जो दार्शनिक मांगा था दार्शनिक नहीं भेजता है, ठीक है, दार्शनिक भेजने से मना कर देता है। तो लेकिन जो है इस तरह की ये बात कही गई कि उनको वहां पर विक्रय करना मना था, ठीक है। और इसके समय में बिंदुसार के समय में अशोक अवंतिकाओं को राजा भी था। अवंतिका ये जो है उपराजा था, कौन? अशोक। अब इसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद, बिंदुसार के बाद इस वंश का प्रतापी राजा हुआ जिसे बोला गया अशोक। बिंदुसार के बाद आता है आपका अशोक। अशोक जो है मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसको जो है देवा नाम प्रिय कहा गया है। देवा नाम प्रिय कहा गया है। चंड अशोक कहा गया है। इसके कई नाम मिलते हैं। देवा नाम प्रिय जो है इसका जो बहुत बड़ी मतलब एक तरह से उपाधि थी, जिसका अर्थ होता है देवताओं से प्रिय नहीं है। और फिर एक दूसरा अर्थ इसका यह भी निकलता है कि यह देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय था, ऐसा भी कहा गया है। अशोक जो है 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। यह जो है 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। 269 बीसी में यह क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। जब यह गद्दी पर बैठा तो अपने
दादा की तरह अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की तरह यह भी साम्राज्यवादी था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय हो सकता है राष्ट्रीय युद्ध के समय कलिंग या तो स्वतंत्र हो गया रहा होगा या उसे यह पराजय मतलब इससे किसी कारणवश हुआ स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया हो। तो बिंदुसार के बाद जो है जब अशोक गद्दी पर बैठा तो क्या किया, कलिंग विजय किया, इसकी एकमात्र युद्ध है कलिंग विजय, क्योंकि अशोक अपनी विजयों से कम धम्म मुनि मतलब शाक्य मुनि के धम्म को संरक्षण देने के कारण अधिक जाना जाता है। और फिर यह धम्म की शुरुआत किया, क्या करता है धम्म की शुरुआत करता है, क्योंकि अशोक एक धार्मिक राजा था, भयंकर कलिंग के भयंकर नरसंहार को देख करके यह क्या करता है युद्ध विजय को क्या त्याग कर देता है, उसकी जगह पर धम्म विजय की शुरुआत करता है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी चंपा की ब्राह्मण की कन्या थी। कहा जाता है दिव्यावतार में इसकी मां का नाम धर्मा बताया गया है। दक्षिण परंपरा में भाई सुसीम और विगता शोक को बताया गया है। इसकी पत्नियां थी पद्मावती जो कुराल की माता थी, इसकी पत्नी का नाम अशोक की पत्नी थी पद्मावती जो कुराल की माता थी, असंघमित्रा अग्रहिमिष्टी और देवी या महादेवी महेंद्र और संघमित्रा की मां जो है क्या नाम था उसका महादेवी, यह जो है अशोक मतलब महेंद्र और संघमित्रा की माता थी। शाक्य जात की विदिशा के सृष्टि की पुत्री थी। तक्षरक्षिता दिव्यावदान में इसका उल्लेख मिलता है। कारुवाकी तीवर की माता प्रयाग लेख में इसका वर्णन है, तीवर की माता थी और इसका उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। अशोक के को विभिन्न लेखकों और विभिन्न ग्रंथों में इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे पुराण जो है अशोक को अशोक वर्धन कहते हैं, पुराण जो है इसको क्या कहे हैं पुराण इसको अशोक वर्धन बोलते हैं, अशोक वर्धन बोलते हैं। जबकि जूनागढ़ लेख में जूनागढ़ लेख में इसे क्या कहा गया है अशोक को अशोक मौर्य कहा गया है, अशोक मौर्य कहा गया है, अशोक मौर्य कहा गया है। दिव्या दीप वंश में इसे प्रिय दर्शन कहा गया है, दीप वंश में इसे जो है क्या कहा गया है प्रिय वसन कहा गया है, प्रिय वसन और कहीं पर प्रिय दर्शन भी लिखा रहता है, इसी को प्रिय दर्शन भी इसको कहा गया है, ये नाम कहीं कहीं मिलता है। और इसको जो है मास्की लेख में देवा नाम प्रियस अशोकस कहा गया है, मास्की के लेख में से देवा नाम प्रियस अशोका कहा गया है, अशोका कहा गया है, ठीक है अशोकस कहा गया है इसको। इस तरह से ये इसका वंशावली थी। और इसके बाद इस वंश में कोई भी प्रतापी राजा नहीं हुआ। कहा जाता है कि मौर्यों के पतन में महत्वपूर्ण योगदान अशोक ने ही निभाया था, क्योंकि अशोक जो है युद्ध करना बंद कर दिया था, जिससे इसके आसपास के जो राजा थे धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे और अपनी शक्ति मजबूत करने लगे। दूसरी तरफ इसकी सेनाएं
विशाल होने पर भी युद्ध न करने के कारण युद्ध अभ्यस्त नहीं थी। अब इस मौर्य वंश का अंतिम जो राजा था वह कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ। बृहद्रथ को इस वंश का अंतिम राजा माना जाता है। कहा जाता है कि इसका जो सेनानी था, सेनानी जो इसका एक सेनानी था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया है? शुंग वंश की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? शुंग वंश की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? शुंग वंश की स्थापना करता है। कौन करता है शुंग वंश की स्थापना? पुष्यमित्र शुंग। और ये भारतीय इतिहास में पहला ब्राह्मण वंश था। यह क्या था? ब्राह्मण वंश था और यह बौद्धों का विरोधी था। इस वंश के में दो तीन राजा हुए। एक इस वंश का शुंग वंश का जो राजा हुआ उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जो इसका संस्थापक है। इसके बाद अग्निमित्र हुआ, अग्निमित्र हुआ। अग्निमित्र को नायक मान करके ही कालिदास ने माल विकाग्नि मित्रम नाटक की रचना की। ये क्वेश्चन 2016 में यूपीएससी में पूछा था। माल विकाग्नि मित्रम नाटक किस राजवंश के बारे में विवरण देता था? आप जान लीजिए कि मालविका, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मालविका, मालविका और अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र दीर्घ संधि है इसमें। मालविका और अग्निमित्र दोनों को मिलाकर के मालविका अग्निमित्र बना। तो मालविका नायिका है और नायक अग्निमित्र है। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का वर्णन इसमें किया गया है। और इनके इतिहास को जानने के लिए, शुंगों के इतिहास जानने के लिए विदिशा का गरुण स्तंभ लेख और धनदेव का अयोध्या अभिलेख महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भरहुत का इनका स्तूप भी बहुत फेमस है। कई स्तूप निर्माण कला में भी ये फेमस है। लेकिन कहा जाता है कि बौद्धियों का विरोधी था। लेकिन वास्तव में स्तूपों का निर्माण, जब कला आप पढ़ेंगे तब जानेंगे स्तूपों का निर्माण वास्तव में शुंग काल में ही अच्छे ढंग से हुआ। विकसित स्वरूप स्तूपों का दिखाई देता है। कहां पर? इनके शासन काल में। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अब इस वंश का, इस वंश के जो राजा थे, इसके बाद मालविकाग्निमित्र के बाद जो है वसुमित्र राजा बना। वसुमित्र जो है राजा बना। वसुमित्र भी बहुत प्रतापी राजा था, लेकिन यह बाद में जो है यह यूनानियों को पराजित किया था। बाद में यह जो है बिलासी राजा बन जाता है। क्या बन जाता है? बिलासी राजा बन जाता है। भोग विलास में लिप्त रहने लगता है, जिससे खारवेल के आक्रमण के समय यह बहुत निर्बल प्रतीत होता है। क्यों? खारवेल की गुफा में इसका निर्माण, हाथी गुफा अभिलेख में इसका विवरण मिलता है। अब आपको बता दें कि जो अशोक ने धम्म चलाया, अशोक ने जो धम्म चलाया वह धम्म क्या था? अशोक की धार्मिक नीति से क्वेश्चन आता है। अशोक की धार्मिक नीति, अशोक की धार्मिक नीति, अशोक की धार्मिक नीति क्या थी? तो अशोक के बारे में जैसा मैंने बताया कि अशोक ने एक धम्म की स्थापना करता है। अशोक के काल के प्रमुख धार्मिक समूहों में ब्राह्मण, श्रमण, बौद्ध, आजीवक व अन्य थे। शासन प्रणाली के शासन के आरंभिक दिनों में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कहा जाता है यह अशोक जो है ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। राजतरंगिणी के अनुसार वह शिव का उपासक था। राजतरंगिणी का लेखक कल्लर बताता है कि अशोक जो है शैव था, शिव का उपासक था।
जबकि दीप वंश के अनुसार वह सभी धर्म धर्म के विद्वानों का सम्मान करता था। दीप वंश में कहा गया है कि अशोक सभी धर्म के विद्वानों का क्या करता था, आदर सम्मान करता था, अर्थात वह सहिष्णु राजा था, किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं देता था, मतलब आज के भारतीय संविधान जैसा था। ठीक है, धर्म परिवर्तन, अशोक के बारे में कहा जाता है धर्म परिवर्तन कब किया, कहा जाता है कि शासन के चौथे वर्ष निग्रोथ नामक भिक्षु उसके भाई का पुत्र से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तत्पश्चात मोगली पुस्तिस के प्रभाव में आया और दीप वंश और महावंश में इसका उल्लेख मिला है कि आया और बौद्ध हो गया। उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षा दीक्षित किया था, उपगुप्त, ऐसा वेनसांग कहता है। वेनसांग कहता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म किसके कारण मनाया अपनाया, बौद्ध धर्म में इसके बारे में कहा जाता है कि उपगुप्त ने इसको बौद्ध धर्म में लाया था। ये कौन कहता है, वेनसांग कहता है कि यह जो है उपगुप्त ने इसे क्या किया था, इस वंश बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। बाल पंडित तथा समुद्र ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दिव्यावदान कहता है कि इसको जो है समुद्र नामक एक विद्वान ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था और बाल पंडित उसका सहयोगी था, ऐसा जो है मिलता है। लेकिन बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद 2.5 वर्ष तक वह साधारण उपासक था। अशोक के लघु शिलालेख भब्रू शिलालेख और स्वयं को बुद्ध साक्य कहा है। अशोक जो है अपने भब्रू शिलालेख में स्वयं को बुद्ध साक्य कहा है और कहा जाता है कि अशोक जो है साक्य धर्म अर्थात महात्मा बुद्ध के धर्म को मानने वाला था। बाबरू शिलालेख में त्रिन रत्न बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, भाबरू शिलालेख में भाबरू एक शिलालेख है, भाबरू शिलालेख में कहा गया है कि इसके तीन रत्नों का उल्लेख मिलता है, कौन, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, तीन कौन कौन से थे, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अभी यूपीपीसीएस के लोअर में यह क्वेश्चन पूछा था, बुद्ध ये पूछ लिया था क्वेश्चन, आरओ के पेपर में पूछा था 2018 में, अप्रैल में पेपर हुआ था, तो ये पूछा था कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, तो जान लीजिए त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, ये मौर्य धर्म के क्या है, मौर्यों के मतलब इसके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तीन रत्न कहा गया है। मैं अपना विश्वास प्रकट करता है सारनाथ सांची कौशाम्बी के लघु स्तंभों में अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में आ जाता है। सांची का लघु स्तंभ लेख में बौद्ध धर्म संघ में फूट डालने वाले को चेतावनी दी जाती है। अशोक जब राजा बना, यह जो है अपने आप को कहा गया है कि अशोक भिक्षु हो गया, संघाध्यक्ष कभी नहीं बना। महावंश से ज्ञात होता है कि 18वें वर्ष अशोक ने लंका के राजा के पास संदेश में बताया कि वह शाक्य पुत्र के धर्म का एक साधारण उपासक बन गया है। जब ये 18 वर्ष तक शासन कर लिया अशोक, तो ये क्या करता है, अपने एक संदेश श्रीलंका के राजा को भेजता है और कहता है कि मैं जो है शाक्य मुनि के पुत्र का एक साधारण क्या बन गया हूं, शाक्यों के पुत्र का एक साधारण उपासक बन गया हूं। धर्म यात्राएं, राजाभिषेक के वर्ष 10वें वर्ष
बोधगया 12वें वर्ष लिग्निवा और 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी गया। कहा जाता है कि जब अशोक ने रुमिनदेई गया और वहां पे क्या करता टैक्स का, सामान्यतः मौर्यों में टैक्स की व्यवस्था क्या थी, 1/6 थी, 1/6 जो है उपज का भाग लिया जाता था। लेकिन लुम्बिनी में रुमिनदेई लुम्बिनी में यह टैक्स को 1/8 भाग कर दिया था, घटा दिया था। कहा जाता है कि अशोक ने रुमिनदेई में लुम्बिनी में यह क्या करता है टैक्स का 1/8 भाग कर देता है, जो उपज का 1/8 भाग लिया जाने लगा। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। अशोक के समय में पटना में तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन हुआ, तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन हुआ, पटना में तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन होता है। अब मोगलीपुस्तिस ने इसकी अध्यक्षता भी करता है, मोगलीपुस्तिस इसकी अध्यक्षता करता है। देखिए आपको बता दें कि इसके बारे में कहा गया है कि अशोक के धम्म को, अशोक का धम्म क्या था, अशोक का वास्तव में धम्म क्या था। अभी तक किसी धार्मिक नीति हम लोगों ने देखा कि विभिन्न राजाओं के पास अपने संदेश भेजता है, उनके दूतों को बुलाता है और वहां पर भेजता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अशोक की जो वास्तव में धम्म था, अशोक का धम्म क्या था, अशोक का धम्म का स्वरूप क्या था, जो पाठ्यक्रम में है आपके अशोक का धम्म, अशोक का धम्म, अशोक का धम्म क्या है, अशोक का धम्म, धम्म क्या है। अशोक अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, अशोक ने धम्म की शुरुआत क्यों किया था, अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक ने अपनी प्रजा की नैतिक उत्थान के लिए जो एक आचरण की या आचार की एक संहिता प्रस्तुत की उसी को अशोक के लेखों में धम्म कहा गया, क्या कहा गया है, धम्म कहा गया है, अशोक के लेखों में इसी को धम्म कहा गया है। अशोक के धम्म का आधार दीर्घ निकाय के लखन चक्कीव सूत्र और राहुलोवाद गेह विजय में मिलता है, राहुलोवाद अर्थात गेह विजय में इसका उल्लेख मिलता है। अशोक ने अपने दूसरे व सातवें शिलालेख में धम्म का स्वरूप प्रकट किया है। धम्म का स्वरूप, धम्म का स्वरूप जो है प्रकट कहां होता है, दूसरे व सातवें शिलालेख में, शिलालेख में धम्म का स्वरूप मिलता है। धम्म के स्वरूप की चर्चा दूसरे और सातवें शिलालेख में मिलता है। सकारात्मक पक्ष इसके क्या थे, किसी भी विचारधारा के दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक बोल सकते हैं या सकारात्मक और निषेधात्मक बोल सकते हैं। सकारात्मक पक्ष क्या थे, ये है अल्प पाप अत्यधिक कल्याण। अशोक का सकारात्मक पक्ष क्या था, धम्म का सकारात्मक पक्ष क्या था और निषेधात्मक पक्ष, दो पक्षों में विभक्त हुआ और दोनों पक्षों में एक सकारात्मक पक्ष दूसरा निषेधात्मक पक्ष,
तो अल्प पाप, अल्प पाप किया जाएगा, अधिक कल्याण किया जाएगा, अधिक कल्याण की बात करता है, अधिक कल्याण और दयादान, दया दान, दयादान की बात की गई, साधुता, मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, साधुता, सत्यता, पवित्रता जैसे शब्दों की चर्चा की गई है। इसके सकारात्मक पक्ष थे, जबकि नकारात्मक पक्ष दो से निषेधात्मक जो थे, आसीवन पाप, पाप इसके नकारात्मक पक्ष थे, पाप, चंडता, चंडता, निठुरता, निष्ठुरता, ये इसके सकारात्मक पक्ष है, पाप, चंडता, निष्ठुरता, और घमंड, क्रोध, क्रोध, घमंड, ये जो है इसके निषेधात्मक पक्ष थे। अशोक जो है पाप और पुण्य, प्रजा पाप न करे, अच्छा काम करे, इसके लिए वह स्वर्ग की झांकी भी बनवाता है। स्वर्ग के जो अच्छा काम किया है उसके लिए अच्छे अच्छे जो है वहां पर सिंहासन मिले हैं, अच्छा सुख मिला है स्वर्ग में, और जो गलत काम किया उसे नरक का द्वार दिखाया गया, गंदगी में रह रहा है, उसे कष्ट, विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जा रही हैं, सो स्वर्ग की झांकी भी प्रस्तुत करवाता है। और इसीलिए स्वर्ग की प्राप्त करने वालों के लिए अशोक ने यह लोक व परलोक दोनों की पुण्य की प्राप्ति भी करता है। यह लोक और परलोक में जो आप पाप करोगे, पुण्य करोगे, उसको आपको झेलना पड़ेगा। 11वें शिलालेख में धम्म दान को श्रेयस्कर बताया गया है। अशोक अपने 11वें शिलालेख में धम्म दान को श्रेयस्कर कहा है, जबकि 9वें शिलालेख में मानव जीवन के विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले मंगल कार्यों की तुलना में धम्म को मंगल या फलदायी बताया गया है। 9वें शिलालेख में धम्म को मंगल, मंगलकारी और फलदायी बताया गया है। 11वें शिलालेख में धम्म दान को सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया है। 13वें शिलालेख में धम्म विजय को सैनिक विजय से श्रेष्ठ बताया गया है। इसका जो 13वां शिलालेख है वह धम्म विजय को सैनिक विजय से ज्यादा श्रेष्ठ बताता है। तो 13वें शिलालेख में अशोक कहता है, या घृणा, हिंसा, हत्या के विपरीत प्रेम, दया, मृदुता एवं उदारता से अनुप्राणित होती है, इसलिए धर्म विजय करना चाहिए, मनुष्य को धर्म विजय करना चाहिए। इस शिलालेख में विभिन्न राजाओं पर धर्म विजय की बात कही गई है, विभिन्न राजाओं पर धर्म के द्वारा आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसकी बात कही गई है। प्रचार के उपाय क्या क्या थे, धर्म के प्रचार के उपाय क्या क्या अशोक ने किया, धम्म के प्रचार के उपाय अशोक के जो थे वह कौन थे, शिलालेख, स्तंभ लेख के रूप में धम्म प्रस्थापित करवाना विभिन्न जगह पे। से आज देखते होंगे आप, हाईवे के किनारे जाते होंगे, हाईवे के किनारे बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं कि किन वाहनों को टैक्स देना है, किन वाहनों को नहीं देना है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लिखी रहती हैं। उसी प्रकार का अशोक भी सड़कों के किनारे क्या करता था, एक बढ़िया शिलालेख लिखवाता था, उस पर अपनी सूचनाएं लिखवा देता था, जिससे लोग उस सूचना को समझ सके। और धम्म यात्राओं का प्रारंभ करता, हर एक 5वें साल यह धम्म
यात्रा की शुरुआत करता है। राजकीय पदाधिकारियों के नियुक्त तीसरा शिलालेख में रज्जुक प्रादेशिक युक्त नामक अधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करना व उपदेश देने की बात कही गई है। धर्म के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता था जो जाकर के जनता के बीच में अशोक के धम्म का प्रचार करते थे। अब अशोक के धर्म की प्रकृति की बात करें तो फ्लिट जो है, एक विद्वान है फ्लिट, फ्लिट जो है अशोक के धर्म को क्या कहता है, राजधर्म कहता है, राजधर्म कहा है। फ्लिट ने अशोक के धर्म को राजधर्म कहा, जबकि सेनर्ट जो फ्रांसीसी विद्वान है बौद्ध धर्म का सर्वांगीण चित्रण कहा। ठीक है, इसको जो है सर्वांगीण चित्रण कहा। किसका, सेनर्ट ने, सेनर्ट, सेनर्ट क्या करता है, अशोक के धर्म को, धर्म को क्या करता है, बौद्ध धर्म का विकसित रूप बोलता है, बौद्ध धर्म का संपूर्ण चित्रण, संपूर्ण चित्रण कहता है, बौद्ध धर्म का संपूर्ण चित्रण कहता है। जबकि राधा मुकुंद मुखर्जी सभी धर्मों की साझी संपत्ति कहता है। राधा मुकुंद मुखर्जी, इन्होंने इसको जो है क्या कहा है, साझी संपत्ति कहा है, साझी संपत्ति कहा है, साझी संपत्ति कहा है कि सभी धर्मों की साझी संपत्ति है। जबकि रोमिला थापर ने निजी कल्पना कहा है, इन्होंने तुलना दीने इलाही से की है। देखिए प्रश्न पूछ भी सकता है कि अशोक के धम्म की तुलना दीन ए इलाही धर्म से किसने की है, तो रोमिला थापर ने किया है। यह अशोक की सबसे बड़ी विशेषता रही है इसके धर्म की। आइए, प्रजा के कल्याण की बात करता, पशुओं के लिए चिकित्साएं, जीव हत्या पर रोक लगा देता है और प्रजा कल्याण के लिए सड़कें बनवाता, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाना, पानी पीने की व्यवस्था कराना, बौद्धों बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार बनवाना और यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाना, इस तरह का कार्य जो है अशोक करता है और यह युद्ध को पूर्णतः त्याग देता है। अशोक के बाद दूसरे वर्ष 13वें शिलालेख में उनके उन प्रदेशों का नाम है जहां उसने अपने दूत भेजे थे। यह जो है श्रीलंका में भेजा था, चीन में भेजा था, बर्मा, तिब्बत, विभिन्न देशों में अपने जो है ये दूत भी भेजा था अशोक ने। अब इसके परवर्ती मौर्य राजाओं में कुराल का नाम आता है। अशोक के बाद जो है, अशोक के बाद किसका नाम आता है, कुराल, अशोक के बाद कुराल का नाम आता है, अशोक, अशोक के बाद कुराल। अब अशोक, इसके बाद ये आता है कुराल, कुराल का नाम आता है, कुराल बहुत प्रतापी राजा नहीं था। इसके बाद दशरथ का नाम आता है, दशरथ के अभिलेख मिले हैं, दशरथ, दशरथ के अभिलेख मिले हुए हैं, कई अभिलेख मिले हैं, प्रपौत्र था उसका ये दशरथ के अभिलेख। इसके बाद संप्रत मिल आता है इसका वंश का, संप्रत इस वंश का राजा था, संप्रत के बाद इस वंश का जो राजा बना उसका नाम था सालिसुक, सालिसुक राजा बना, सालिसुक, और सालिसुक के बाद जो है अंतिम राजा बृहद्रथ, बृहद्रथ की हत्या करके ही जो है शुंगमित्र, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। मौर्य साम्राज्यों का पतन क्यों हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, तो हर प्रसाद शास्त्री कहते हैं ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया यानी अशोक की धार्मिक नीति, अशोक की धार्मिक नीति ने मौर्यों का पतन कर दिया। ये डॉक्टर हर प्रसाद शास्त्री बताते हैं। निहार रंजन राय कहता है कि पुष्यमित्र शुंग की राज्य क्रांति मौर्यों के अत्याचार के विरुद्ध थी। आज पुष्यमित्र शुंग ने एक क्रांति किया था जिस क्रांति के परिणाम स्वरूप ही मौर्यों का पतन हुआ।
मौर्य द्वारा अपनाए गए विदेशी विचारों विशेषतः कला के क्षेत्र में अस्वीकृति का द्योतक है। हेमचंद राय चौधरी कहता है, अशोक की शांति व अहिंसा की नीति दूरस्थ प्रांतों के शासकों का अत्याचारी होना भी मौर्यों के पतन का कारण है, क्योंकि जब मौर्य युद्ध नहीं करने लगे तो जो दूर फैले हुए राज्य थे और उन राज्यों के जो सामंत थे अशोक के विरुद्ध आ गए और अशोक मौर्यों के विरुद्ध आने लगे और इसकी सेनाएं, जैसा कि मैं पहले ही बताया था, इसकी सेनाएं युद्ध नहीं कर रही हैं और सेनाएं युद्ध नहीं करती थी, युद्धाभ्यास धीरे धीरे समाप्त होता गया या युद्ध के अनुसार इसकी सेनाएं ढल नहीं पाती हैं, जिसके कारण युद्ध में पराजित हो जाती हैं। डॉक्टर डीडी कौशाम्बी कहते हैं कि मौर्यों का पतन आर्थिक कारणों से हुआ, क्योंकि ये इतना अभिलेख लिखवाता है, इतना यात्राएं करवाता है, इतना धार्मिक कार्य करवाता है, सड़कें बनवाता है, सड़कों किनारे पेड़ लगवाता है, जिसके कारण आर्थिक संकट आ गया और ये उद्योगों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ये सन्यासियों का जीवन बना दिया, लोग ना तो उद्योगों पर ध्यान दे रहे हैं और न ही अपने व्यवसाय पर ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण लोग जो है क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं और धीरे धीरे आर्थिक संरचना समाप्त हो जाती है। डॉक्टर रेमिला थापर कहते हैं, प्रशासनिक अतिकेंद्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का न होना। अब रोमिला थापर ने एक नया विचार दिया कि आज के आईएएस अधिकारियों की तरह प्रतियोगी परीक्षा उस समय नहीं होती थी, जिसके कारण जो है मौर्यों का पतन हो गया, उनकी जो है स्वर्ग सिफारस के आधार पर अयोग्यता, अयोग्य हो तो भी उसको क्या बना दिया जाता था, अधिकारी बना दिया था, जिससे मौर्यों का पतन होने लगा। डॉक्टर रामशरण शर्मा कहते हैं कि भौतिक संस्कृतियों का प्रसार व अन्य क्षेत्रों में भी हो गया, जिसके कारण मौर्यों का पतन हो गया। अन्य कारण उत्तर पश्चिमी सीमा की अपेक्षा योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव हो गया। विद्वानों ने आप अन्य विद्वानों ने कहा अन्य कारण है कि इसके अयोग्य उत्तराधिकारी हुए, जिसके कारण इसका पतन हो गया। ये मौर्यों के पतन का मुख्य कारण था। मौर्यों के काल में नगर प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था को भी बताएंगे, तो आपको जो अब हमारा जो अगली क्लास होगी उस क्लास में मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को विस्तार से बताया जाएगा, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को बताया जाएगा। अब आप इसको समझिए और अगर आपको कोई समस्या होती है, जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, पीडीएफ को देख करके आप इसको और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, और कोई समस्या है तो आप कमेंट में प्रश्न भी कर सकते हैं। तो नमस्कार, आप फिर अगले क्लास में मिले, मुलाकात होगी।